डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम अपना थर्ड लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड लेसन में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास है, इस लेसन में हम देखेंगे टाइपिंग टिप्स, उसके अलावा फिंगर एडजस्टमेंट किस तरह करते हैं टाइपिंग टिप्स में, टाइपिंग ट्यूटर को इंस्टॉल किस तरह किया जाता है और टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हम देखेंगे आज। तो अपने फर्स्ट लेसन की तरफ जाते हैं, टाइपिंग टिप्स। तो टाइपिंग टिप्स के लिए आपने क्या करना है, जिन लोगों के पास विंडो एक्सपी है तो वो डायरेक्ट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे और नोटपैड पे क्लिक करेंगे। जिनके पास विंडो 7 या विंडो 8 है तो वो यहाँ नीचे डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, नोटपैड, और नोटपैड हमारे पास ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस देंगे तो यहाँ पे हमारे पास नोटपैड आ जाएगा, नोटपैड आ गया। नोटपैड में फंट का साइज बढ़ाना है, फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, फंट में जाएंगे, फॉर्मेट उसके यहाँ से साइज बढ़ा दें आप, 28 करता हूँ। ओके, अब आपने ऐसा करना है कि अपनी फिंगर, अपनी टाइपिंग्स आप गौर से देखें अपने कीबोर्ड की तरफ। तो कीबोर्ड में हमारे पास F के नीचे एक स्लाइस ही बनी हुई है उभरी हुई, और उसी J के नीचे भी एक छोटी सी स्लाइस बनी हुई है उभरी हुई, छोटा सा माइनस का साइन होगा, उभरा हुआ होगा थोड़ा सा। तो आपने अपनी एक फोर फिंगर जो है हमारे पास F पे रखनी है, दूसरे हाथ की फोर फिंगर, लेफ्ट की फोर फिंगर F पे रखनी है और दूसरी राइट की हमारे J पे रखनी है, और आपकी सारी उंगलियां और जो 3 उंगलियां होंगी और एडजस्ट हो जाएंगी, एक D पे हो जाएगी, S और A, J, KL और कॉमा। अब आपने स्टार्ट करना है A से, आप स्टार्ट करोगे राइट टू लेफ्ट, आप स्टार्ट करोगे ASDF स्पेस कॉमा LK और J, एंटर, ASDF, आगे G ले लिया मैंने, फोर फिंगर के साथ मेरा G का बटन है, G, आपके अंगूठे स्पेस के ऊपर होंगे, स्पेस कॉमा LKJ और साथ में H ले लो, H, एंटर। फिर जो आप उसी के आप ऊपर वाली रो पे चले जाओ, Q WER, क्यों आपने इस तरह करना है कि आपकी जो फिगर है, देखें जो मेरे पास ए वाली फिगर है, जहाँ पे ए वाली, उसी उसी के जरिए मैंने उसी फिंगर से मैंने क्यू को प्रेस किया, ए के बाद जो मेरी एस वाली एस एस फिंगर से मैंने जो है तो डब्ल्यू को प्रेस किया, डी से मैंने ई को किया और आर से एफ को किया, एफ को सॉरी एफ को आर से किया। तो इसी तरह आपने स्पेस देना है, कामा वाली जो फिंगर है उसके उससे आपने पी, जो आई वाली है उसी आप ओ, एल वाली जो है आई और यू, एंटर। फिर एक क्यू WER और एफ वाली जो फिंगर है उसी के थ्रू आप टी प्रेस कर लो, स्पेस POIU और जे वाली जो फिंगर है उसी के जरिए आप फाइव प्रेस कर लो, फिर क्यू WERT स्पेस POIUY, एंटर, दो बार लिख लिए। फिर ए वाली जो फिंगर है उसी के थ्रू आप जेड को प्रेस करो, जेड एक्स CV स्पेस फुल स्टॉप कॉमा MN और B। आप इस तरह चलते जाएंगे तो हमारे पास ये टाइपिंग टिप्स हो जाएगी। तो ये टाइपिंग टिप्स, तो इस टाइपिंग टिप्स के थ्रू आपने, यही जो टाइपिंग टिप्स हैं इसे कम आप 20 बार इस चीज़ को लिखना है, आपने 20 बार इसको लिखना है, 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 और इसे डेली आपने आप तकरीबन 3-4 दिन इस चीज़ को लिखते रहें, जब तक आपकी आपकी जो उंगलियां वो आपके कीबोर्ड के ऊपर बैठ नहीं जाती और आपको जब तक समझ नहीं आती कि मेरी कौन सी उंगली के नीचे कौन सा बटन है, कौन सी उंगली के नीचे कौन सा बटन है। तो उस टाइम तक आपने क्या करना है, यही टाइपिंग करते रहना है। इसके फायदे एक तो ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन आपको पता चल जाएगी, एडजस्टमेंट फिंगर की पता चल जाएगी कि ए के ऊपर वाला कौन सा बटन है और नीचे वाला कौन सा है,
उस वक्त एस के ऊपर कौन सा है और